हेलो दोस्तों, मैं हूं अनुपम। आप देख रहे हैं मॉडर्न मिरर। तो देखिए, आज हमारे जो वीडियो का टॉपिक है ये चैनल सेक्शन पार्टलिंग कटिंग एंड फिलिंग में, ठीक है। तो देखिए, इसमें जो हमें क्वेश्चन दे दिया गया है, इसमें हमें बेड ब्रिथ दे दी गई है 5 मीटर और वाटर डेप्थ हमें दे दी गई। वाटर डेप्थ फुल सप्लाई लेवल तक दे दी गई 2.10 मीटर, ठीक है। यहाँ से हमें कटिंग डेप्थ दे दी गई है 1.50 मीटर और ब्रिथ ऑफ बैंक हमें दे दिया गया 2.40 मीटर, ठीक है। और डेप्थ ऑफ बैंक हमें दे दिया गया फ्रॉम बेड लेवल 4.55 मीटर। और इसका जो क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक बार वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। तो ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं बनाना। काफ़ी सिंपल है, बस आपको एक बार समझ में आ जाए अच्छे से कि बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती। पहले इसकी हम एक बार बाउंड्री बना लेते हैं। तो बाउंड्री बनाना तब तक आपको आ ही गया होगा, ठीक। चलिए हम इसको ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। मिडिल में हमने एक पॉइंट कर दिया। अब यहाँ से देखिए हम क्या करते हैं, हमें पेड़ लगाने के लिए या तो हम 1.5 मीटर या फिर 2 मीटर छोड़ देते हैं। तो हम यहाँ पर चलिए छोड़ देते हैं 1.5 मीटर। अब फिर इसके बाद में देखिए यहाँ पर बनाना होता है ड्रेनेज। ड्रेनेज बनाना तो अब तक आप सबको आ ही गया होगा। ड्रेनेज बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले यहाँ पर देखिए 4.5 पे आपको एक पॉइंट करना है, फिर आपको एक 6 पे पॉइंट करना है, फिर आपको देखिए यहाँ से फिर 5 पॉइंट करना है, ठीक है। और सेम इसी वाले पॉइंट को क्या करना है, यहाँ पर देखिए 5, यहाँ पर 5, इनको ला करके यहाँ से मिला देना है। और देखिए इन चीज़ों को यहाँ से इस तरह से ला करके इसे, ये इसे यहाँ से और इसे इस तरह से मिला देना है। चूँकि देखिए यहाँ से क्या होता है, हमारे जिनके बीच की दूरी है ये 4.5 मीटर होती है, ठीक है। और इनका जो रेशियो होता है ये 1:1 का होता है। तो चूँकि 4.5 पे हमारी ऊंचाई है, तो 4.5 में हॉरिजॉन्टल भी जाना होगा, तो हॉरिजॉन्टल में हुआ और यहाँ से इतना। और देखिए कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, इतना से मान लीजिए आपको 1 सेंटीमीटर ऊपर जाना है, ठीक है। अब आपको 1 सेंटीमीटर आपने आगे बना लिया, तो आपको क्या वर्टिकल में 1 सेंटीमीटर और हॉरिजॉन्टल में 1 सेंटीमीटर, ठीक। इसी प्रकार से आप यहाँ पर बना लीजिए 1 और देखिए यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब जो इनके बीच का ये एंगल बनता है ना, ये एंगल यहाँ पर क्या करते हैं, MD सेट करते हैं, और या फिर यहाँ से देखिए दोनों साइड के लिए हमारा यहाँ से हो जाएगा। ये यहाँ पर सेट करेंगे, ला करके यहाँ से रख देते हैं, एक आइएगा यहाँ पर पॉइंट करके नीचे, वहाँ से उन्होंने कट कर देते हैं, जाकर यहाँ का मिलता है वहीं पर, वहाँ पर वहाँ से उसे वो लगा देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं इन पॉइंट वाले से, नहीं तो आप इस यहाँ से डायरेक्ट अपने इस चीज़ को पॉइंट को मिला सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप यहाँ पर कर सकते हो। और फिर इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, 5 mm यहाँ से छोड़ देना होता है, 5 mm छोड़ने के बाद यहाँ से देखिए जो हमारी ये रोड की ऊंचाई हमारी है, रोड की ऊंचाई हमारी 2 मीटर दे दी गई है, और इसका जो हमारा रेशियो है ये 1.5:1 का है। तो हमें 2 पर जाना है और हॉरिजॉन्टल में 1.5:2 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए स्केल तो अब तक आप ही जानते ही होंगे कि हमें 1/100 ही लेनी है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमें अगर 2 ऊपर जाना है, ठीक है, 2 ऊपर जाना तो यहाँ से हो जाएगा 2 × 1.5, तो ये हॉरिजॉन्टल में हमारा हो जाएगा 3। तो आपको हॉरिजॉन्टल में पहले क्या करना है, 3 पे लाना है और यहाँ से 2 ऊपर पॉइंट करना, ठीक है, 2 ऊपर पॉइंट करना। अब ले जा करके इस पॉइंट को यहाँ पर मिला देना, ठीक। तो इस तरह से देखिए हमारा ये स्लोप हो गया, ये हमारा जो स्लोप है ये 1.5:1 का है। और यहाँ से आप इसे नीचे आगे बढ़ाते रहिए, जिस प्रकार से फिगर बनाते रहेंगे उस प्रकार से आप उसे नीचे बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जो हमारा रोड है ये 5 से 6 मीटर होता है, यहाँ पर आपको नहीं दिया गया तो आप 5 मीटर ले लीजिए, ठीक है। यहाँ से हम ले रहे हैं। कभी कभी कुछ लोग 4 मीटर भी ले लेते हैं, रजवाहा जो हमारी नहरें होती हैं उनके लिए। तो यहाँ से हमने देखिए 5 मीटर ले लिया। और फिर इसके बाद हमें यहाँ से बनाना होता है डॉवल। डॉवल बनाने के लिए आपको पता ही है, डॉवल देखिए जो भी यहाँ से ऊंचाई वाली चीज़ें भरी देंगी, ठीक है। जैसे जो कट में रहेगा उनका लगभग 1:1 का होता है, और जो ऊंचाई में होती है उनका 1.5:1 का होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमें क्या, हमें पता है कि इनकी जो ऊंचाई होती है ऊपर, वो भी यहाँ से जो इनकी हाइट होती है डॉवल की 0.5 होती है, और जो हॉरिजॉन्टल में हमें डिस्टेंस जानी होगी 1.5
1.5 इंटू 0.5, यहाँ से हो जाएगा 0.75। यहाँ से पहले हमें 8 mm पे जाएंगे और यहाँ से फिर देखिए ऊपर जो हमारा होता है वो 6 होता है और फिर यहाँ से हमें जाना होगा 8 mm, ठीक है। और देखिए इस चीज़ को हमें, चूँकि हमारे जो ऊपर हाइट है वो 0.5 है, यहाँ पर भी हमारी जो हाइट है वो 0.5, तो इस तरह से ले जा करके हम इन वाले पॉइंट के यहाँ और इस वाले पॉइंट दोनों में मिला देते हैं। ये जो हमारा यहाँ से है 1.5:1, चूँकि यहाँ से आप देख लीजिए कि हमने यहाँ जो हमारी ऊंचाई थी ये 0.5 थी, तो हमने क्या किया कि 0.5 इंटू 1.5 मल्टीप्लाई कर दिया 0.75। 0.75 पहले यहाँ से दूरी ले ली, फिर 0.5 ऊंचाई कर दिया, फिर यहाँ से जो इनके इनके बीच का ये जो हमारी है चौड़ाई है ये 0.6 मीटर है, तो यहाँ से 0.6 मीटर हमने ले लिया और फिर यहाँ से और यहाँ से फिर हमने 0.75 ला कर यहाँ पॉइंट करके इनको ला कर मिला दिया, ठीक है। अब यहाँ से इन चीज़ों को हमें नीचे स्पीड से बढ़ा लेना है। अब यहाँ से आप देखिए, अब इसे पहले क्या कर लीजिए, पॉइंट कर लीजिए। अब यहाँ से आपको पता है कि यहाँ पर आपको दे दिया गया कटिंग डेप्थ 1.5 मीटर दिया गया, ठीक है। यहाँ से दे दिया गया हमें कटिंग डेप्थ हमारा क्या 1.5 मीटर में दे दिया गया, ठीक है। तो अब कटिंग डेप्थ मतलब 1.5, तो यहाँ से हो गया 1.5 और जो टोटल हमारी जो यहाँ से हमें दिया गया था जो हमारी वाटर डेप्थ था फुल सप्लाई लेवल थी यहाँ से 2.1 थी, तो यहाँ से अगर हम 2.1 लेते हैं तो लगभग हमारा आ जाएगा इतना, ठीक है। इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से अगर आप हल्के से एक अपने बहुत हल्का से आप ले सकते हो, पेंसिल्स करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। इसको ले लीजिए और यहाँ पर ला करके इसे मिला दीजिए, ठीक है, मिला सकते हैं यहाँ से। और फिर आपको क्या करना होगा, अब यहाँ से बनाना है आपको बर्न, ठीक है। बर्न बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा बर्न होता है ये होता है इसमें 2D, ठीक है। डी यहाँ पर क्या है हमारी यहाँ से दे दी गई डी, तो डी का मान हमारा हो जाएगा 2.1 इंटू 2, यहाँ से हो जाएगा 4.2, ठीक है। तो यहाँ से हम दे देंगे 4.2, ये वाला पॉइंट 1, 2, 3, 4, ठीक है। यहाँ ला करके हम इसे मिला देते हैं और फिर देखिए यहाँ से हमें क्या करना होता है, अभी इस चीज़ को फिर मिलाएंगे, चूँकि अभी मिलाना है, इस चीज़ को बता रहे हैं कैसे हम मिलाते हैं। फिर देखिए पहले हमें क्या करना है यहाँ से बेड बिर्थ बनाने के लिए, बेड बिर्थ में क्या करते हैं, एक हमें आफ्टर सिल्टिंग बनाना होता है, ठीक है। उसका जो रेशियो होता है 1:1 होता है और एक होता है 1/2:1 का, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ऐसे जो हमारे नीचे की यहाँ तक डेप्थ है, ठीक है, जो नीचे हमारी डेप्थ है वो कितनी है, यहाँ से 1.5 है, ठीक है। तो अब इसके लिए अगर हम इसको डिवाइड करें 0.75, तो यहाँ से देखिए हम क्या करते हैं, पहले 1.5 पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखिए यदि आप पॉइंट कर लेते हैं 1.5 यहाँ है और इसका फिर आपको ले लेना है आधा, यह आ जाएगा 0.7। यहाँ से फिर आपको देखिए इसको डाउन कर लेना है 1.5, ठीक है। अब एक बार ले जाकर के आपको इसमें मिला देना है। अब और एक जो हमारा होता है यहाँ से ये टोटल देखिए हो जाएगा 1.5, ये हो जाएगा हमारा यहाँ से 1.5, इसको आप ऊपर कर देंगे और यहाँ ले जाके हम इसे मिला देते हैं, ठीक है। इस तरह देखिए क्या करते हैं कि पहले जो हमारा यहाँ से पॉइंट था इसका आधा ले लेते, जो कि टोटल जो यहाँ से गहराई थी ना इसकी क्या करते हैं आधा इस साइड ले लेते हैं, आधा यहाँ पर ले लेते हैं, फिर यहाँ से इसको पॉइंट कर लेते हैं, ठीक। पॉइंट करने के बाद यहाँ से जो ये हमारे मिलती है, तो ये देखिए यहाँ से देखिए हॉरिजॉन्टल भी हमारी कितनी 1.5 है और यहाँ से वर्टिकल भी यहाँ देखेंगे तो 1.5 और यहाँ से हमारी ये हो जा रही 1/2, ठीक है। तो इसीलिए हमारा ये हो जाएगा रेशियो का 1:1 का हमारा रेशियो और ये रेशियो हमारा जो है 1:2:1 का, ठीक है। और फिर नीचे जो हमारी यहाँ से बिड्थ दे दी गई है, यहाँ से देखिए बेड बिड्थ में दे दी गई है 5 मीटर, तो यहाँ से हम इसको 5 मीटर ले लेते हैं
अब देखिए आपको यहाँ से सेम प्रोसीजर करना है, पहले डायरेक्ट आपको 1.5 पे जाना, ठीक है। अब फिर यहाँ से देखिए आपको 0.75 पे पॉइंट करना है और यहाँ से एक, ठीक है, यहाँ ले आ करके आपको इसको मिला देना, यहाँ से इसे, यहाँ से इसी इसको मिला देना, ठीक है। और फिर यहाँ से अपने निकाल लेना है, मुझे हमारे देखिए यहाँ से कितना आया था, 4 सेंटीमीटर आया था, हमने निकाला था बेड विथ हमारी, यहाँ से सोचिए सॉरी, ये हमारे बर्न आया था, ये हमारा जो बर्न था हमारा आया था 2D था, 2D चूँकि यहाँ पर 2.1 2.12 करेंगे तो 4.1 लगभग आ जाता, तो 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हम क्या करते हैं 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं, पहले इसको इतना आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है, और फिर इसी साइज को हम ऊपर कर लेते हैं और यहाँ से ला करके इसी को हम यहाँ से मिला देते हैं, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा ये हो गया 4th, ठीक है। इतना बनने के बाद अब हमें क्या करना होता है, ऊपर इसमें बनाना होता है बैंक बनाना होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से देखिए आपको दे दिया गया है विड्थ ऑफ बैंक 2.4 हमारा ऊपर का दिया गया है, और यहाँ से दे दिया गया डेप्थ ऑफ बैंक फ्रॉम बेड लेवल, ठीक है। तो यहाँ से आप देख लीजिए, क्योंकि मान लीजिए आपको ये बेड लेवल है, ये बेड लेवल हो गया आपका यहाँ से, ठीक है, यहाँ से देखिए हमने इसको बेड लेवल यहाँ पर पॉइंट कर लिए, और बेड लेवल से इन्होंने ऊंचाई दे दी है इसकी कितनी है, यहाँ से 4.5 है, ठीक है, यहाँ से देखिए 1, 2, 3, 4 यहाँ से 5 है, ठीक है, इतना हो गया, इतनी ऊंचाई इसकी है। अब ये जो हमारी ऊंचाई आ रही है, ये जो हमारी ऊंचाई है एक इसमें कितना है, क्योंकि 4.55, ठीक है, 4.55 यहाँ से हमारा माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तक का जो हमारा फुल सप्लाई लेवल थे कि हमारी हाइट दे दी गई थी 2.1 थी, 2.1 तो यहाँ से आ जाएगा 2.45, तो 2.45 हमारी क्या दी वर्टिकल हाइट आ रही है, ठीक है, जो हमें यहाँ आगे जाना वर्टिकल ऊँचाई भी जाना, ठीक। अब इसके बाद क्योंकि ये हमारा वर्टिकल है, अब यहाँ से हमें जो हमें हॉरिजेंटल जाने के लिए क्या होगा, चूँकि यहाँ से ये ऊपर जाना है, तो ऊपर का हमारा रेशियो होता है 1.5:1 का होता है, जिसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5, यहाँ से आ जाएगा 3.6, तो लगभग आ जाएगा हमारा ये 4th, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हम कर लेंगे यहाँ से 4 पे पॉइंट, और फिर इस चीज़ को हम यहाँ से ऊपर देखिए हमने यहाँ से पॉइंट कर ही दिया है, अब इसे ले जाकर यहाँ पर हम मिला देते हैं, ठीक है, और इस नीचे वाली चीज़ को हमें आगे बढ़ाते रहना है, ये हमारा ग्राउंड लेवल है सरफेस का, उसे हमें बढ़ाते रहना है, ठीक है। फिर देखिए थोड़ा अभी कैमरे को सेट कर लेते हैं, देखिए फिर इसके बाद जो हमें ऊपर का यहाँ से दे दिया गया विड्थ ऑफ बैंक हमें दे दिया 2.4 मीटर, ठीक है, 2.4 मीटर यहाँ से हम फिर इसको आगे बढ़ा लेंगे, ये हमारा हो जाएगा 2.4, यहाँ से इसको पॉइंट करें और फिर यहाँ से इसको आप ले लीजिए, ये देखिए चूँकि आपका पॉइंट है ही यहाँ से 2.4, यहाँ से फिर आपको कर लेना है, ठीक। और यहाँ से चूँकि यहाँ से यहाँ तक का जो हमारा हॉरिजॉन्टल आएगा डिस्टेंस, फिर चूँकि हमारा जो ये ढलान होगी 1.5:1 की होगी, तो यहाँ से आपको 4 कर लेना है, और यहाँ से ला करके इसे और इस चीज़ को हमें क्या करना है, नीचे मिला लेना है, और इसी ढलान के साथ ला करके इसे हमें नीचे मिला देना है, ठीक। और फिर देखिए फिर हम यहाँ क्या करते हैं, 5 mm छोड़ देते हैं, तो यहाँ से देखिए लगभग ये 5 mm छोटा हुआ है, 5 mm छोड़ने के बाद फिर से हम यहाँ पर ड्रेन बना देते हैं, तो ड्रेन बनाना अब तक तो आप सबको आ ही गया होगा, ठीक है। ड्रेन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से सिंपली पहले हमें 5 mm पे एक पॉइंट करना है, फिर यहाँ से हमें 6 mm पे, फिर हमें यहाँ से 5 mm पे पॉइंट करना है, ठीक है, और फिर इसके बाद हम यहाँ से 5 mm पे नीचे पॉइंट करते हैं और 5 mm पे यहाँ पर पॉइंट करते हैं, फिर देखिए नीचे वाले चीज़ों को हम यहाँ से इसे यहाँ पर मिला देते हैं, और इस वाले पॉइंट को यहाँ पर, इस वाले पॉइंट को यहाँ पर, और फिर देखिए यहाँ से हम 1.5 मीटर छोड़ देते हैं, 1.5 मीटर छोड़ने के बाद फिर यहाँ से हम इसको कर देते हैं ये बाउंड्री, ठीक है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि ये टोटल हमारा बनके तैयार हो गया है, और यहाँ से हम इसके जो हमारे वैल्यूज़ हैं उसको मैं लिख दे रहा हूँ 0.6 मीटर, और ये हमारा जो रेशियो है वो रेशियो 1 है, ठीक है,
यहाँ पर देखिए हम पेड़ लगाने के लिए छोड़ते हैं इसे, ठीक। और ये हमारा जो होता है ये बैंक है, यहाँ से जो इसका रेशियो है कितना होता है, और यहाँ से देखिए जो हमारा इसकी जो हाइट दे देखी थी हमें यहाँ से यहाँ तक की, देखिए आपको ज़्यादा अगर फिगर ऊँचा हो रहा था आपको इसे नहीं डालना, आपको जो एक्यूरेट आपको जो वैल्यू दी गई है आपको उसी हिसाब से बनाना, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप खुद से कम्प्रोमाइज़ करके उसमें बना लो, बस आपको नहीं करना है। तो ये देखिए हमारे थी यहाँ से 4.55 मीटर थी, और यहाँ से जो बेड बिल्थ हमें दे दी गई थी ये हमारी थी यहाँ से 5 मीटर थी, ठीक है। और यहाँ से आपको जो फुल सप्लाई लेवल हमारा था, यहाँ से आप इस चीज़ को देख सकते हैं, जो फुल सप्लाई लेवल तक का हमारे यहाँ से वैल्यू थी ये थी हमारी 2.1 मीटर, और जो हमारी कटिंग में थी ये हमारी थी 1.5, ठीक है। ये देखिए हमारा होता है एनएसएल लेवल होता है, और ये हमारा होता है फुल सप्लाई लेवल, ठीक है। और ये होता है बर्न, बर्न का जो मान होता है 2D, और यहाँ पर भी ये होता है, इसे कहते हैं बर्न, ठीक है, इसे बर्न कहते हैं। और यहाँ से भी इसकी वैल्यू होती है, और हमने जो निकाला था वो आया था हमारा, ठीक है, यहाँ से इसे देख रहे हैं। और इसके बाद फिर से मैं एक बार कैमरा को सेटअप कर ले रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि क्या हुआ कि यहाँ से देखिए उसका जो बैंक अपडेट दिया गया है 2.40 मीटर, ये क्या होता है काफ़ी लंबा बन जाता है, इसीलिए इतना पूरा क्लियर नहीं आ पाता, तो मुझे थोड़ा सा क्लियर दिखाने के लिए भी इसीलिए कैमरा को सटीक देखना पड़ता है, ठीक। यहाँ से एक बार देख लीजिए आप, ये हमारा जो हो गया यहाँ से 5 मीटर हमने रोड लिया था, ठीक है। और यहाँ से जो हमारी हाइट थी 0.5 मीटर थी, और इसका यहाँ से 0.6 मीटर था, ठीक है। और यहाँ से इस चीज़ को आप नीचे भी यहाँ से लिख सकते हैं, इसे रोड लिख सकते हैं, ठीक ठीक है। और फिर यहाँ से इसके जो हमारे वैल्यूज़ हैं, जैसे ये हमारा था 2 मीटर, इसको आप शो कर देना, बाकी यहाँ पर हमारे जो हमने कैनाल बना दिया था साइड में उसको आप यहाँ से देख लीजिए, क्योंकि यहाँ जो सेम था हमारा था, ठीक है। यहाँ के बाद जो हमारे यहाँ से बस आपको ड्रेनेज है, ड्रेनेज का मान हमने पहले ही लिख दिया है, और बगल में हमारे यहाँ से हो जाएगी बाउंड्री, ठीक है। कैनाल हमारी बाउंड्री हो जाती है, ठीक, यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें। तो इस प्रकार से आप एकदम आसानी से बना सकते हो, बस आपको क्या करना है, स्केल जो लेनी है सेम 1/100 लेनी है, 1/100 स्केल लेंगे तो आपका, क्योंकि जितने सारे चीज़ सेम रहेंगे ना, जैसे 1/100 लेने से आपको यही फ़ायदा है कि जो भी जो मीटर में हो डायरेक्ट आपके सेंटीमीटर में आपको सारी चीज़ हो जाएंगी, आपको स्केल चेंज करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं, आपको बार बार एमडी बार बार आपको यहाँ से कैल्सी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको जो भी कन्फ्यूजन होगी सारी कन्फ्यूजन आपकी दूर होगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट किया करिए, हम आपको जरूर बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को हमारे लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।